ये बताओ कि जो ये मंदिर है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये यहाँ पे जैसे भूत प्रेत बाधा किसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मण और आपके अपने YouTube चैनल टूर इनसाइड इंडिया पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ अलवर जिले के कामेखड़ा गाँव, और यहाँ आप मेरे पीछे देख रहे होंगे इतना शोर, ये एक बालाजी है और बहुत प्रसिद्ध और बहुत चमत्कारी का ये मंदिर है। आपको बहुत अच्छा चमत्कार देखने को मिलेगा, आपको मैं दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आइए और आपको इस मंदिर का जो मुख्य परिसर है वो मैं दिखाता हूँ। पंडित जी से इंटरव्यू लेकर मैं आपको सारी जानकारी इस मंदिर की देने वाला हूँ। तो अब आप मेरे साथ चलिए, यहाँ जो मेहंदीपुर बालाजी है वैसा ही दृश्य आपको यहाँ देखने को मिलेगा। काफ़ी संख्या में यहाँ भूत प्रेत वाली औरतें और पुरुष आते रहते हैं, और आप ये मेरे सामने से अगर ये देख रहे हो, ये है कामाखेड़ा के बालाजी। बहुत शानदार, चमत्कारिक और बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्थान है। यहाँ आसपास के इलाके में नहीं, दूर दूरों तक इसकी ख्याति है, और ये बालाजी बहुत चमत्कारिक है। यहाँ आपको तत्काल प्रमाण मिलते हैं। पास में ही गणेश जी महाराज का मंदिर है, आपको मैं वो भी जल्द ही दिखाने वाला हूँ। आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो ये मंदिर है बहुत पुराना है, मूर्तियाँ हैं और राम लक्ष्मण और हनुमान जी की जो मूर्ति है वो रामायणकालीन मूर्तियाँ हैं, और यहाँ भूत प्रेत इनको दूर किया जाता है। ये आप जो मैं जिसके सामने हूँ आप ये देख रहे होंगे, ये गणेश जी महाराज की ये मूर्ति है। बहुत शानदार, जबरदस्त और ऐतिहासिक ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ये झालावाड़ कस्बे से, झालावाड़ जिला हेडक्वार्टर से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 50-55 किलोमीटर के पास में ये मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ एक बहुत शानदार जबरदस्त एक राम मंदिर बन रहा है, काफ़ी बड़ा ये परिसर है, आप इस परिसर को देख रहे होंगे, बहुत शानदार आपको बहुत शानदार ये परिसर है, आप इस परिसर को देख रहे होंगे। यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, श्रावण के महीने में बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ और बहुत ज़्यादा यह मेला लगता है। आप ये देख रहे होंगे ये हवन कुंड है, आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये हवन कुंड है, यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं लोग, बालाजी के दर्शन करने के बाद जो प्रसाद लेके आते हैं वो उसको यहाँ चढ़ाते हैं। बहुत ही शानदार ये बहुत बड़ा परिसर है, बहुत शानदार, बहुत चमत्कारिक आप ये परिसर देख रहे हो। ये वो हवन कुंड है जहाँ मैं आपको खुद लेकर चलने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत जबरदस्त ये परिसर है और ये हवन कुंड है, काफ़ी बड़ा ये हवन कुंड है, यहाँ लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और बहुत ही। ये देखिए दोस्तों, ये इतना बड़ा हवन कुंड आपने कभी कहीं भी नहीं देखा होगा, काफ़ी बड़ा हवन कुंड है, यहाँ लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, और हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज कामेखड़ा के चमत्कारिक बालाजी महाराज है, उनकी ये बहुत शानदार जबरदस्त ये हवन कुंड आपको देखने को मिलेगा। बहुत शानदार जगह ये आप ये देख रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, जो कामखेड़ा का जो बालाजी है, जो हनुमान जी है, उनके सामने मैं बैठा हूँ, और इनका इतिहास, इनकी सारी जानकारी आपको ये पुजारी जी देने वाले हैं। आप इनके मुख से जो यहाँ बालाजी का ये मंदिर है, इनकी महिमा, ये सारी जानकारी हम इनके मुख से लेने वाले हैं। नमस्ते जी। नमस्ते श्रीमान जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक वैष्णव है। दीपक भाई, हाँ, आप यहाँ आपकी कब से पूजा कर रहे हैं? मतलब ये मूर्तियाँ तो बहुत प्राचीन है, हमारे पीढ़ियों से पूजा करते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, बहुत प्राचीन है। मुझे ये बताओ कि जो ये मंदिर है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ये यहाँ पे जैसे भूत प्रेत बाधा किसी भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, मतलब ये एक चमत्कार है, यहाँ पर आते हैं लोग। हाँ दोस्तों, आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में आगे ही बताया था कि जो यहाँ जो बालिकाएँ थी, जो औरतें थी, उनमें कुछ भूत प्रेत आ रहा था, तो वो यहाँ आके ठीक होता है। वो यहाँ कब कब आने से ठीक होता है? मतलब मंगलवार की पांच बार आने से यहाँ पे जो भी भूत प्रेत पिशाच जो भी कोई बाधा होती है वो सब दूर हो जाती है। मंगलवार के पाँच बार आओ, पाँच पैसे बोलते हैं उसको, पाँच बार आने से सब बाधाएँ दूर हो जाती है।
मुझे ये बताओ तो ये बालाजी की तीन मूर्तियाँ हैं, चार हैं, इनमें से कौन कौन सी क्या है? मतलब मान्यता है कि जब हनुमान जी है रावण से भगवान राम और लक्ष्मण जी को बचा के लाए थे, तब अपने कंधों पे बिठा के लाए थे, तब उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था। तो इधर वाली ये बड़ी वाली मूर्ति राम जी की है, ये लक्ष्मण जी की है, और ये बीच वाली हनुमान जी की है, वो गणेश जी की है। वो गणेश जी महाराज की है। तो ये जो मंदिर है लगभग मतलब कितना पुराना मान चुके हैं आप? इसको मानो, इसको आप रामायण कालीन मानो इन मूर्तियों को। आप मूर्तियों को रामायण का मंदिर की बात कर रहे हो? मंदिर मंदिर को बने हुए हो गए लगभग 60 साल हो गए। 60 साल हो गए। हाँ, उससे पहले यहाँ पे पहले बस यहाँ पे एक चद्दर था, वो बस चबूतरा टाइप का है यहाँ पे। हाँ, तो 60 साल पहले फिर ये मंदिर की स्थापना हुई है। और इसके जो चारों तरफ ये एक सामने भी मंदिर बन रहा है, वो कहीं का मंदिर है? वो राम मंदिर है, वो उसमें बत्र स्तंभ स्थापित है। अच्छा, जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है ना, उसकी तरफ से वो मंदिर बन रहा है, उसका निर्माण खामखेड़ा ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है। यहाँ ट्रस्ट है? हाँ ट्रस्ट है। हाँ, श्री खामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट है यहाँ पे। अच्छा, तो मुझे ये बताओगे यहाँ पे मेला कब कब लगता है बालाजी? मेला तो यहाँ पे हर मंगलवार और शनिवार को लगता है। बड़ा मेला जब भी कभी जैसे भादव सावन जो भी कोई मेला नवरात्र में कब लगता है बड़ा मेला? एक तो हनुमान जयंती पे लगता है। हनुमान जयंती पे? हाँ, एक नौ वर्ष पे लगता है सबसे बड़ा मेला। नौ वर्ष पे? नौ वर्ष में नहीं, चेतन नहीं, जो अपना ये एक जनवरी होता है ना, एक जनवरी। हाँ, उसमें मतलब सबसे ज्यादा पब्लिक आती है, मतलब अराउंड 5 लाख के लगभग पब्लिक आ जाती है। मतलब नौ वर्ष पे 5 लाख के लगभग? 5 लाख के बहुत आए, बहुत यहाँ पर प्रबंध रहता है, पुलिस का भी प्रबंध रहता है, सब प्रबंध रहता है यहाँ पे। मुझे ये बताओ कि जैसे अभी ये किस चीज़ के लिए है ये? ये तो नारियल फोड़ने के लिए। अच्छा, यहाँ नारियल फोड़ा जाता है? पहले फोड़ा जाता था, अब जब से कोरोना काल आया तब से ऊपर आना बंद हो गया। पहले ऊपर भी आते थे, यहाँ तक आते थे लोग पहले। अब जब से कोरोना काल आया ना तब से आना बंद हो गया, बंद कर दिया गया। तो आप मुझे और ये बताओ कि यहाँ पे जो लोग इतने आते हैं तो मनोकामनाएं पूर्ण होती है? मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे, तभी लोग आते हैं। हर मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे, भगवान की 5 बार पेशी करो, हर मनोकामना सफल करते हैं हनुमान जी महाराज। और मंदिर के बारे में और आसपास के बारे में? जो तो यहाँ पे ये श्री राम मंदिर है, एक शीतला माता का मंदिर है, और एक गांव का मंदिर है श्री राम जानकी मंदिर, जो गांव के द्वारा निर्मित किया गया है। और आप जो यहाँ पूजा करते हैं, तो आप यहाँ लोकल हो या फिर कहीं? नहीं, यहीं के हैं, खामखेड़ा के निवासी हैं हम। खामखेड़ा के निवासी। धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी, और बालाजी के चरणों में आप श्री चरणों में सेवा कर रहे हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जय श्री राम। जय श्री राम। और दोस्तों, जो पुजारी जी जो गणेश जी की बात कर रहे थे, वो ये प्रतिमा है गणेश जी की, ये चौथी प्रतिमा है, हनुमान जी, लक्ष्मण जी और राम जी के बाद ये प्रतिमा है। और यहाँ पे जो भगवान का हवन कुंड है, रोज हवन भी होता है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये हनुमान जी का जो दरबार है, वो आप देख रहे होंगे कितना ज़बरदस्त, शानदार और बहुत ही चमत्कारिक ये मंदिर है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कितना शानदार दृश्य, और यहाँ साफ़ सफाई ये बहुत आला दर्जे की है। यहाँ आप कभी भी आ सकते हो, और यहाँ सावन और भादु में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, पुजारी जी ने हमें ऐसा बताया। कितना शानदार ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा, बालाजी महाराज जो यहाँ विराजमान है, और ये रामायण कालीन हनुमान जी, लक्ष्मण जी और राम जी को लेकर यहाँ विराजमान है। ये आपने ये दृश्य देखा। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी भीड़ है, और अब आरती होने वाली है, इसकी वजह से भी लोग यहाँ आसपास से और दूर दूर से आए हुए हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त, शानदार और चमत्कारिक मंदिर आपको ये देखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए, ये आरती से पहले का दृश्य है, और यहाँ पे ये इतनी सारी भीड़ यहाँ आ गई है, और ये शनिवार का दिन है। देखिए दोस्तों, काफ़ी संख्या में यहाँ लोग हैं, खूब दूर दूर तक आपको देखने को मिलेंगे। और जब आरती होगी उसका अलग वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। मैं पूरी खामखेड़ा के बालाजी की पूरी आरती आपके लिए आज लेकर आया हूँ, और वो भी आपको एक अलग वीडियो में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, ये वो राम मंदिर है जो सामने बनाया जा रहा है, और ये उसका नक्शा है। आपको मैं राम मंदिर भी दिखाने वाला हूँ, पर ये जो उसका मैप है, ये यहाँ पे पहले से लगा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों,
ज़बरदस्त शानदार और उसी राम मंदिर जो अयोध्या में बना उसकी तर्ज पर ये मंदिर बनाया जा रहा है वो सामने ही है। मैं आपको उसका परिसर भी आगे दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो अखंड रामायण इस मंदिर परिसर में हो रही है और आपको मैं जो यहाँ श्री राम जी का जो मंदिर बन रहा है उसका दृश्य दिखाने वाला हूँ। ये परिसर है, बहुत शानदार यह मंदिर है और यहाँ पास में प्रेत महाराज की भी मूर्ति है और इस परिसर में काफ़ी बड़े धूणा हनुमान जी की मूर्ति ये आपको देखने को मिल जाएगी और इस सामने जो राम मंदिर बन रहा है वो है। मैं इसके अंदर आपको ले जा नहीं सकता क्योंकि इसमें बल्ली फंटे और ये काफ़ी सारे वो लग रहे हैं, कारीगरों ने कितना कलाकारी से और कितना शानदार इसमें काम किया है। तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे बल्ली फंटे हैं, तो आपको मैं जब ये मंदिर बनने का तैयार होगा तब आपको मैं लेकर आने। दोस्तों ये जो मंदिर देख रहे हो श्री राम जी का जो मंदिर है बहुत शानदार अद्भुत और ऐतिहासिक मंदिर बनकर तैयार होगा तब मैं आपको यहाँ लेकर आने वाला हूँ एक बार फिर। और ये पास में शीतला माता जी का मंदिर और प्राचीन शिवालय भी यहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो चमत्कारिक कामखेड़ा गांव का बालाजी हनुमान जी मंदिर है बहुत प्राचीन है और रामायणकालीन जो मंदिर है। तो दोस्तों अब उपस्थित होते हैं अगले हनुमान जी की आरती के साथ, तब तक मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। जय हिंद जय भारत।